हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मैं ना दाल का पेठी, जिसे दाल का दुल्हन बोला जाता है, बिहार झारखंड और यूपी का फेमस डिश है, तो वो बनाने वाली हूँ। मैंने मिक्स दाल लिया हुआ है, घर का ही दाल से मैं बना रही हूँ। राहड़ है, कुर्थी है और चने का दाल है और मसूर का दाल है, सारे मिक्स दाल बना रही हूँ। और इसे ना अच्छे से धो लेंगे और मैं धो के ना फूल में पानी पटा दे रही हूँ। दोनों काम हो जा रहा है साथ में, धुल भी जा रहा है और पानी भी पट जा रहा है, तो देख सकते हैं। इसी तरह से हम धो लेंगे फ्रेंड और ना पानी डाल के उसे छोड़ देंगे दाल को। और इधर ना मैंने लिया है सर्फ और तेल, उसे घस के अच्छा से मल लेंगे। इससे क्या होगा ना, काला नहीं होगा चूल्हा में बनाएंगे तो इसलिए मैं चूल्हा में बनाने वाली हूँ, इसीलिए ऐसे कर रही हूँ फ्रेंड। और ना पानी दाल के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और हम लोग का जो पानी है ना, वो गर्म हो गया है, देख सकते हैं आप। तो हम ना इसमें दाल डाल लेंगे। दाल को सबसे पहले हम चूल्हा देवता को ना ग्रहण करा लेंगे, उसके बाद डालेंगे। तो इस तरह से मेरे गांव में किया जाता है फ्रेंड, मेरा घर में, तो आप भी कर सकते हो। और ये रहा मसाला, डाल रही हूँ मैं हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और इसे मैं ढक लूँगी, तब तक हम लोग का दाल गल जाएगा, तब तक हम लोग ना आटा गूंद लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है नमक और क्रश किया हुआ अजवाइन था, उसे ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं ना गूंद ले रही हूँ आटे को। तो मेरा आटा जो है ना, वो मैंने गूंद लिया है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। कुछ देर ढक के छोड़ दूँगी और इधर दाल को देख लेंगे। दाल ना नहीं गल रहा, तो मैं ना थोड़ा सा उसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डालने से ना फ्रेंड, बहुत जल्दी दाल गल जाता है। तो इधर ना मैं गोल गोल लेके इस तरह से आटे को लंबे लंबे इस तरह से करके इसका ना डिवाइड कर ले रही हूँ, देख सकते हैं आप। इसी तरह से आप डिवाइड कर लें। और नीचे ना थाली में मैंने आटे का जो भवरे है ना, उसे लेके ऐसे कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, जो दाल पेठी बनाएंगे ना, वो चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से गोल गोल करके फ्रेंड, इसे इस तरह से हम शेप दे देंगे, देख सकते हैं आप। मैं बेल के नहीं बना रही हूँ, सीधे हाथ से ही बना रही हूँ। तो इस तरह से भी बनता है, तो आप ट्राई करना, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो इसी तरह से हम बना लेंगे और एक बना के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह से बना के और ऐसे हम डिज़ाइन दे देंगे, फूल जैसे दिख रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है फ्रेंड। ये ना मेरे नाना जी मेरे को सिखाए थे, बहुत अच्छा फूल डिज़ाइन देने के लिए। और अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा दिखता है, खाने में भी अच्छा लगता है फ्रेंड। तो इस तरह से सारे को हम बना के रेडी कर लेंगे। अब चेक करते हैं दाल हुआ है कि नहीं, इसे हम चला लेंगे फ्रेंड। और देखिए दाल कितना अच्छा बना है और पक गया है। तो हम सारे ना दाल पिट्ठी को इसी तरह से डाल लेंगे। चूल्हा में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड, इसलिए मैंने ना चूल्हा में मैं बना रही हूँ। तो आप भी अगर चूल्हा है ना, तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है चूल्हा में। एकदम धीरे धीरे गलता है दाल और ये पिट्ठी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने ना आटा का जो फोरे है ना, उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना, एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। और देख सकते हैं 10 से 20 मिनट पका ले फ्रेंड, आराम से पक जाता है। और हम लोग का जो देख सकते हैं दाल का पिट्ठी है ना, वो पक चुका है, 10 से 20 मिनट हो गया है। और कितना अच्छा कलर भी आया है, देख सकते हैं आप। तो हम ना उतार लेंगे इसे इस तरह से और घर लेके चल जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा आ गया ना, तो मैं सोच रही थी कि इसे मैं छौंका लगा लूँ, दाल का जो पिट्ठी है ना उसे। तो सबसे पहले मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ फ्रेंड और जीरा। हम लोग ना आग बुझ गया है, तो मैं गैस में ही कर ले रही हूँ। और जीरा डाल के फिर मिर्च डालेंगे इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा ना मिर्च को हिला लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं गलछन की सहायता से आराम आराम से। और इसमें डाल देंगे करी के पत्ते, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो तीखा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो हम लोग का ना इस तरह से छौंका हो गया है, देख सकते हैं आप, कितना अच्छा दिख रहा है ना दाल पिट्ठी फ्रेंड। तो आप भी बना सकते हैं बहुत आराम से एकदम चूल्हा में, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है चूल्हा का दाल पिट्ठी। और ना खाने में भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, मिक्स दाल का और घर का दाल से भी आप बना सकते हैं, दाल नहीं रहेगा तो। आप घर का भी दाल से ट्राई करना फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। और मैं सब करके दिखाती हूँ। ये रहा गर्मा गर्म दाल पिट्ठी, खाने में मज़ा ही आ जाना है आज तो। और
ये ना सारे बिहार हुआ, यूपी हुआ, झारखंड का भी ये फेमस डिश है फ्रेंड। अच्छा से खाया जाता है, कहीं कहीं बस नहीं खाया जाता है, लेकिन सभी जगह ये बहुत ही चाव से खाया जाता है फ्रेंड। तो आप ट्राई करना फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।